माह रमजान के इस मुबारक महीने में विन पैलेस के ओनर मोहम्मद आरिफ की जानिब से 1500 रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी खुतबुल्लापुर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कर्नल हनुमंत रेड्डी, पीसीसी भूपत रेड्डी, आरिफ कॉर्पोरेटर रावला शशिगिरी, कांग्रेस पार्टी सीनियर माइनॉरिटी लीडर्स सैयद जहांगीर और कई नामवार लीडर्स ने शिरकत की है। इस मौके पर खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं। माह रमजान के मुबारक महीने में फंक्शन हॉल में हर साल की जानिब इस साल भी मुकम्मल कुरान शरीफ अदा की गई है। आज छठवां दिन है, रोज छः दिन का अभिना था जिसमें आज पूरी कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो उस मौके पर आज हर साल की तरह इफ्तार की दावत रखते हैं हम लोग विन पैलेस फंक्शन हॉल के जानिब से मैनेजमेंट से, और हमारे भाया बड़े भाई नबी भाई साहब, चंडीर भाई साहब और साथी जितने भी हमारे भाया साथ देने वाले उन सबको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इस मौके पर हमारे कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कोलोना हनुमत रेड्डी साहब खुतबुल्लापुर के और भूपत रेड्डी साहब और हमारे खुतबुल्लापुर राजूला रामाराम के धड़कन है हमारे राहुल शेषिगिरी साहब कॉर्पोरेटर साहब 125 डिवीज़न, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी रोज़ इस पार्टी में टाइम से वक्त से हाथ से हर वो चीज़ से मौका देते हमारे उनका भी चाहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हर एक इंसान की जो भी चाहत और ख्वाहिशात है अल्लाह उन सबको पूरे करे और सबको सेहत अता दे। और सभी खुतबुल्लापुर से जितने भी लोग बात सुनने पर इफ्तारी हमारी दावा कबूल करें उन लोग का भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खुद हमारे जितने भी भाया हैं, जितने भी हमारे बहना हैं जो यहाँ पर तरावी में करीब करीब 1000 आदमी तक आए, यहाँ पर रोज़ को 1000 आदमी का तरावी का प्रोग्राम हो रहा था। और उसी तरीके से खुतबुल्लापुर में इफ्तार पार्टी शुक्रिया अदा करते हुए रुख सकते खास करके हमारा साथी हमारा फैमिली मेम्बर्स इफ्तार पार्टी दिए गए हम पर इन पैलेस में साल नहीं हर एक साल यहाँ पर खुतबुल्लापुर ग्राम जिसमें गरीब होने जो याद करके आप साल भर में जिंदगी दिल के रहने वाले हर एक दिन में हमको बहुत खुशी थी। हर सालाना हमारे छोटे भाई साहब आरिफ साहब का इंतज़ाम होता है विन पैलेस फंक्शन हॉल में। अल्लाह ताला हमेशा उनको ये शहादत इस बात से अल्लाह अपने करम से अपने गैबी खजानों से परवरदिगार आलम आसमान से मन सलवा का इंतज़ाम फरमा दीजिए। अरे अल्लाह हम मुसलमानों को उनके जैसे ईमान के अमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए। अरे अल्लाह हर फिर शिकायत उनकी ज़बान पर नहीं आ रहा है, परवरदिगार आलम वह आपके फैसलों से राजी है, तौहीद उनकी मजबूत हो चुकी है। परवरदिगार आलम हमारे विन पैलेस में तरावी का सिलसिला चल रहा है, अरे अल्लाह जो जो तरावी पढ़ने आ रहे हैं अल्लाह उन सब की तरावी को कबूल फरमाइए। अल्लाह खुशियाँ नसीब फरमाइए, हर गम से दुनिया और आखिरत की हिफाजत फरमाइए, दुनिया और आखिरत की रसवाइयों से हिफाजत फरमाइए। इस्लाम वाली ज़िंदगी अल्लाह हम सबको अता फरमाइए, ईमान वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दीजिए। अचानक की मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, हादसात की मौत से, अस्पतालों की मौत से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाइए, इबरत वाली फरमाइए। अल्लाह हम सबके घरों में अमन अता फरमा दीजिए, राहत नसीब फरमा दीजिए। अरे अल्लाह मुंसिफ हुकूमत अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दीजिए, आदिल हुक्मरान हम सबको नसीब फरमा दीजिए। अरे अल्लाह हम सबके लिए बेहतरीन, अरे अल्लाह वजीर को अल्लाह हमारे हक में मुंतखब फरमा दीजिए। परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की, आमाल की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाइए, हलाल रोजी नसीब फरमाइए, हराम से तौबा की तौफीक अरे अल्लाह हिफाजत अता फरमा दीजिए। हमारी दुआओं परवरदिगार आपका खौफ के साथ जीने की और मरने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमा दीजिए।
जो मांगा है वो भी अता कर दीजिए, मांगने से बहुत कुछ रहेगा वो भी अपने करम से। सरकार दो आलम हबीब मुस्तफ़ा काली कबरी वाले गुंबद खदरा के सदकत फिर हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والحمد لله। ना 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 ना